हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने मूल व्यंजन हैं, कुल व्यंजनों की संख्या क्या है, व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है, व्यंजनों के प्रकार क्या है, आदि बातें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। मित्रों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन से पहले मैंने स्वर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसके पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्यंजन क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मित्रों, व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनको बोलने के लिए स्वर ध्वनियों की मदद लेनी पड़ती है। अगर साधारण शब्दों में हम कहें तो ये इसकी परिभाषा है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो इनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तीसरी परिभाषा हम ऐसा कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए अन्य ध्वनियों की मदद लेनी पड़ती है, और वे अन्य ध्वनियां क्या हैं? स्वर ध्वनियां। तो देखिए, यहां मैंने व्यंजन लिखे हैं। व्यंजन का मतलब ही होता है कि जिसमें स्वर मिला हो, तो स्वर मिश्रित रूप मैंने ये लिखा है जो व्यंजन का सामान्य रूप है। यहां पर गौर करें आप, जो ये पंक्ति मैंने लिखे हैं, आप गौर करें, यहां क वाली लाइन मैंने लिखी है यहां पर, इसको हम कहते हैं क वर्ग। वर्ग का मतलब है ग्रुप। तो इस ग्रुप के पहले वर्ण के नाम से इस ग्रुप का नाम रखा गया क वर्ण। इसी तरह से च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये व्यंजनों में पांच वर्ग हैं, यहां से लेकर के यहां तक ये पांच वर्ग हैं। इनके प्रथम वर्ण, इनका जो पहला वर्ण है, पहला जो अक्षर है, उस पर ही इस वर्ग का नाम रखा गया, उसी को आधार मान करके। पहली लाइन क से स्टार्ट हो रही है, तो इस वर्ग का नाम या इस ग्रुप का नाम क वर्ग है। दूसरे ग्रुप का नाम च वर्ग है, तीसरे ग्रुप का नाम ट वर्ग है, चौथे ग्रुप का नाम त वर्ग है, और पांचवें ग्रुप का नाम है प वर्ग। इस तरह से क च ट त प, ये पांच वर्ग हैं, और इन पांचों वर्गों को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनका दूसरा नाम हम कह सकते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्गों में विभाजित है, वर्गों में इनको बांटा गया है, इसलिए इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो इनका नाम दो हो गया, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। अगर परीक्षा में ऐसा पूछता है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा पूछता है कि स्वर व्यंजनों को और किस नाम से जाना जाता है, और चार विकल्प दे दिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि उसको हम वर्गीय व्यंजन भी कहेंगे। अब आगे देखते हैं, अब एक एक करके पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद हम उच्चारण स्थान पर आते हैं। ये जो वर्ण आप देख रहे हो, ये पांच वर्ग के अलावा य र ल व, इनको हम कहते हैं अंतस्थ। ये अंतस्थ है। इसके बाद श श स ह है, इसको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। और इसके बाद ये है संयुक्त व्यंजन। अब गौर करिए, स्पर्श व्यंजन जिसको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, उसका नाम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन क्यों रखा गया? तो वर्गीय व्यंजन तो आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ये वर्गों में विभाजित हैं, इसलिए इनका नाम वर्गीय व्यंजन रखा गया। स्पर्श व्यंजन इसे क्यों कहते हैं वो देख लीजिए। स्पर्श व्यंजन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन 25 अक्षरों का, हर एक वर्ग में पांच अक्षर हैं, यहां भी पांच, यहां भी पांच, यहां भी पांच, यहां भी पांच, और यहां भी पांच, इस तरह से पांच पच्चे पच्चीस, पांच पच्चे पच्चीस हो गया। ये 25 वर्ण जो हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब गौर करने वाली बात है कि इनको स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण करते समय
हमारी प्राणवायु या हमारी जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। और ये भाग कौन कौन से हैं जिन्हें स्पर्श करती है वो गौर कर लीजिए। ये भाग है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ये पांच भागों में से किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है जिह्वा, इस कारण से, या प्राणवायु, इस कारण से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। मैंने जिह्वा और प्राणवायु दोनों बातें कही इसलिए कि कहीं कहीं जिह्वा नहीं करती है बल्कि प्राणवायु करती है, कहीं कहीं इनका उच्चारण प्राणवायु गले में स्पर्श करती है, कंठ में स्पर्श करती है इसलिए होता है, कहीं जिह्वा का कार्य होता है वह किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, कहीं न कहीं होंठ संचालित किया जाता है किसी न किसी चीज को स्पर्श करता है। तो देखते हैं क्या स्पर्श करता है और उच्चारण कैसे होते हैं, तो ये मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसके पहले मैं बता दूं कि अंतस्थ व्यंजन क्या है। मैंने स्पर्श व्यंजन आपको बता दिया क्या है और वर्गीय व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जान लीजिए, इन चार वर्णों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्यों अंतस्थ व्यंजन कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह के अंदर की जो प्राणवायु या हमारी जो प्राणवायु या जिह्वा किसी भी भाग को पूर्णतया स्पर्श नहीं करती, ठीक है, इसलिए इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ना तो वो गले को पूर्णतया स्पर्श करती है, ना तो तालु को पूर्णतया, थोड़ा बहुत स्पर्श कहीं ना कहीं किसी किसी भाग को करती है, इसलिए उनका उच्चारण स्थान उस आधार पर किया गया है वो अलग बात है, लेकिन पूर्णतया ना करने के कारण इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इन चार वर्णों को ये ध्यान दीजिए। इनका दूसरा नाम क्या है? इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। इनका एक दूसरा नाम क्या है भाई? अर्ध स्वर, ठीक है, इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। आप गौर कर लीजिए ऊष्म व्यंजन क्या है। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह के अंदर की प्राणवायु घर्षण के साथ या रगड़ के साथ बाहर निकलती है, ठीक है, संघर्ष होता है अंदर ही अंदर, इसलिए इन व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म शब्द का मतलब ही होता है मित्रों ऊर्जा, एनर्जी। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय एक एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है या संघर्ष उत्पन्न होता है, रगड़ उत्पन्न होती है, उनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनका दूसरा नाम रगड़ खाने की वजह से या संघर्ष करने की वजह से इन्हें हम कहते हैं संघर्षी व्यंजन। अगर ऐसा पूछा जाए कि ऊष्म व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं तो आप कह दीजिएगा संघर्षी व्यंजन। स्पेलिंग देख लीजिएगा, घ के बाद रेफ वाला र आया है इसलिए इसको श के ऊपर लगा दिया गया है, इसका उच्चारण घ के बाद आ रहा है। अब इधर देख लीजिए, यहां संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन किनको कहा गया? क्ष, त्र, ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन कहा गया, क्योंकि ये दो दो व्यंजनों के योग से बने हैं, ठीक है। जैसे क्ष जो है वो आधा क यानी स्वर रहित क जिसमें स्वर ना हो और मूर्धन्य श से बना है, त्र जो है वो आधे त और पूरे र से बना है, ज्ञ जो है वो आधे ज और इय से बना है, और स्र जो है वो आधे तालव्य श और पूरे र से बना है स्र। तो इस तरह से ये चारों व्यंजनों का व्यंजनों के निर्माण में ये दो अलग अलग वर्ण, दो अलग अलग व्यंजन भूमिका निभाते हैं। तो दो व्यंजन मिलने के कारण इनका नाम रखा गया संयुक्त व्यंजन। अब हम उच्चारण स्थान पर आते हैं मित्रों, गौर करिएगा। अब देख लीजिए, अगर कहा जाए कि मूल व्यंजन कितने हैं तो मूल व्यंजन ह तक ही बोले जाएंगे, तो 25 ये हो गया स्पर्श व्यंजन, और ये चार और ये चार 8, तो 25 और 5 30 और 3 33, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4,
और ऊष्म व्यंजन चार। इस तरह से मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35। ठीक है, यह बात ध्यान में रखिएगा आगे। और मूल व्यंजन ह तक ही बोले जाते हैं, व्यंजन की काउंटिंग ह तक ही की जाती है। यह संयुक्त व्यंजन है जो दो व्यंजनों को मिलाने से बनते हैं। अब देख लीजिए इनका उच्चारण स्थान, गौर करिएगा। ह तक का एक्सप्लेनेशन मैं करता हूं। क, क का जो पूरा वर्ग है इसका उच्चारण स्थान है कंठ। इसको दो रूप में आप लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंठ हो गया। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, तालु। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, मूर्धा। इसके पहले वाली वीडियो में मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी शायद, मुझे जहां तक याद है कि मूर्धा की स्पेलिंग लिखते समय गलती से मैंने छोटा ऊ लगा दिया था, तो ये मूर्धा हो गया। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब गौर करिए, कंठ यानी ये भाग, गले का ये भाग, अंदर से जब प्राणवायु इसको स्पर्श करके निकलती है कंठ को, जिन इन वर्णों के उच्चारण में, तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। अब ऊपर आइए, कंठ के बाद हमारी जीभ का जो मध्य भाग है, मान लीजिए ये पूरी जीभ है हमारी, इसका जो बीच का भाग है वो ऊपर वाले जबड़े के बीचों बीच भाग को, ठीक जीभ के बीच वाला भाग अपने से ऊपर वाले भाग को जो स्पर्श करता है, तो वो भाग कहलाता है तालु। यहां का भाग वो तालु हो गया। मूर्धा जो होता है, मूर्धा जो तालु के थोड़ा और आप आगे आइए, दांत की तरफ आइए, ऊपर वाले जबड़े के, ऊपर वाले जबड़े में जो दांत हैं आगे के, उसके अंदर जाएंगे, ठीक है, मसूड़ों से थोड़ा ऊपर, तो जो खड्डे खड्डे वाली संरचना है, वो जो कड़ा भाग है पूरा, वो है हमारा मूर्धा। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, दांत, पीछे के दांतों को जीभ का अग्र भाग स्पर्श करता है। तो इस यही कारण है कि इन सारे वर्ण जो ये पांच वर्ण हैं, पांच अक्षर त थ द ध न, इन पांचों का उच्चारण स्थान दंत है या दांत है। प वर्ग का उच्चारण स्थान, ये पांचों अक्षर जो है प फ ब भ म, आप उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर और नीचे दोनों ओठ, ठीक है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो इनका उच्चारण होठों से होने के कारण इनका उच्चारण स्थान हम कह सकते हैं ओष्ठ है, ठीक है। तो क ख ग घ अंग जब आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कि आवाज गले से आ रही है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। च बोल करके देखिए, च छ ज झ ञ, तो आप देखेंगे कि च छ ज झ जब हम बोल रहे हैं तो जीभ का बीच वाला भाग जो है ऊपर वाले जबड़े के बीचों बीच हिस्से को स्पर्श करता है, यानी इसका उसके उच्चारण स्थान, वो भाग जो है मुंह के अंदर का तालु कहलाता है, इसका उच्चारण स्थान तालु हो गया। ट ठ ड ढ अण, ट ठ ड ढ जब हम बोलते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जीभ का अगला भाग मुड़ करके उस कठोर भाग को जो जो ऊपर वाले जबड़े के दांतों के पीछे वाला ऊपर वाला हिस्सा है, मसूड़ों के थोड़ा और अंदर कठोर भाग, तालु के थोड़ा पहले, तो उस भाग को स्पर्श करता है, इसलिए हम उसको मूर्धा कहते हैं, वो स्थान मूर्धा कहलाता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया। ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न जब हम बोलते हैं ये पांच अक्षर, तो हमारी जीवा का अग्र भाग हमारे दांतों को अंदर से स्पर्श करके बार बार उनको प्रहार करके हटता है, तो हम कह सकते हैं कि ये इस वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। त वर्ग का, त के पांचों अक्षर, प वर्ग का बताया मैंने ओष्ठ है, आगे आ जाइए इनका उच्चारण स्थान। अब गौर करने की बात यह है कि ट ठ ड ढ अण एक ऐसा वर्ग है जिसका उच्चारण स्थान मुंह के सबसे कठोर भाग यानी मूर्धा से होता है, इसलिए इनको हम कठोर व्यंजन भी कह सकते हैं।
कठोर व्यंजन कौन कौन कठोर व्यंजन है? ट ठ ड ढ ण ट वर्ग के पांचों अक्षर कठोर व्यंजन में कहे जा सकते हैं या गिने जा सकते हैं। इसमें दो अतिरिक्त व्यंजनों का निर्माण और होता है जो ड और ढ से बनते हैं। ड के नीचे बिंदु लगाया और ढ के नीचे एक बिंदु लगा दिया तो इनके उच्चारण में परिवर्तन आ जाता है और इनका प्रयोग भी बदल जाता है। जहां ड और ढ किसी शब्द का प्रारंभ करते हैं वहीं ये जब ड के नीचे बिंदु लगा देंगे तो इसका उच्चारण बदल जाएगा, इसका उच्चारण हो जाएगा। इसको हम ड नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे अड़ 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 अण, नहीं नासिका का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, अड़ और ये बोला जाएगा अड़। जैसे हम बोलते हैं पेड़, लड़ाई, लड़ना, तो जितने भी हम शब्द देखते हैं इनमें उनमें इस वर्ण का प्रयोग प्रारंभ में नहीं होता। इस वर्ण का प्रयोग, इस अक्षर का प्रयोग या इस व्यंजन का प्रयोग या तो शब्द के बीच में होता है और या तो अंत में होता है। इसी तरह से इस वर्ण का प्रयोग, इस अक्षर का प्रयोग, अढ़ का प्रयोग भी या तो किसी शब्द के बीच में होगा, ठीक है, जैसे हमने कह दिया पढ़ना, पढ़ाई, ठीक है, पढ़, ठीक है। तो यहां आपने देखा कि जितने भी शब्द मैंने बोले उनका उसमें, जैसे मैं यहां लिख देता हूं आप देख लीजिए, लड़ना, लड़ाई, ठीक है, लड़, पेड़, ठीक है, आगे आ जाइए अढ़ा वाला, पढ़ना, पढ़ाई, पढ़, बूढ़ा, तो इत्यादि शब्दों में हमने देखा कि ढ के नीचे जो बिंदु लगा दिया गया है उसका उच्चारण बदल जाता है और यह एक अतिरिक्त व्यंजन बन जाता है। तो ये दोनों अतिरिक्त व्यंजन हो जाते हैं जो कि ड और ढ में परिवर्तन करने से बने। ये जो दो अतिरिक्त व्यंजन हैं जिनको हम अड़ और अढ़ कहते हैं, जो ड के नीचे एक बिंदु लगाने से और ढ के नीचे एक बिंदु लगाने से बनते हैं, ये जो दो अतिरिक्त व्यंजन हैं इनका नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन आप देख लीजिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों कहते हैं। बात यह आएगी कि ये जो दो अतिरिक्त व्यंजन बने इनको उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों कहा जाता है। उत्क्षिप्त का मतलब होता है मित्रों फेंकना या हटाना। अब गौर करिए जब जीभ इनका उच्चारण करती है तो जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है अड़, लेकिन बहुत झटके के साथ बाहर आती है। यही कारण है झटके के साथ वहां से उस स्थान को हटती है या फेंकती है अपने आप को, अग्रभाग को, तो इसलिए इसका नाम रखा गया उच्छिप्त व्यंजन। तो ये दो क्लियर हो गए, इनका उच्चारण आपको क्लियर हो गया, त वर्ग का उच्चारण स्थान आपको क्लियर हो गया कि इसको इसका उच्चारण स्थान जो दंत है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्लियर हो गया कि ये इनका उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ हो गया। अब आगे आ जाइए य, र, ल, व का उच्चारण स्थान क्या होगा और इन्हें अर्ध स्वर, जैसा कि मैंने कहा कि इनका दो नाम है अंतस्थ व्यंजन और अर्ध स्वर। अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके इन वर्णों के उच्चारण में, य, र, ल, व के उच्चारण स्थान उच्चारण में जीव या प्राणवायु कहीं न कहीं स्पर्श करती है, स्पर्श करके निकलती है लेकिन पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। पूर्णतया स्पर्श न करने के कारण ही इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। बाकी इन व्यंजनों के उच्चारण में जीव पूरी तरह से स्पर्श कर या प्राणवायु स्पर्श करती है, चाहे वो कंठ को स्पर्श करे, तालु को, मूर्धा को, दांत को या ओष्ठ को, लेकिन इन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुंह की प्राणवायु यानी हमारी प्राणवायु या हमारी जीवा किसी भी आंतरिक भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, इसलिए अंतस्थ व्यंजन हो गया। अर्धस्वर क्यों कहते हैं, बात ये आती है मित्रों, इनका इनका जो इनकी जो उत्पत्ति है, इनकी इनका जो ओरिजिन है
इनका जो जन्म है वो स्वरों से हुआ है। आइए दिखा देता हूं आपको कैसे स्वरों से हुआ है। यहां थोड़ा सा भाग में मिटा देता हूं। हाँ मित्रों, तो अब हम देखेंगे कि य, र, ल, व जिनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, इनको अर्ध स्वर क्यों कहते हैं। अब गौर करिए, हमने पहले यण संधि सीखी होगी और यण संधि में हमने जाना है कि ई ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, इसको देख लें, ई ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई ई के स्थान पर हम ई ई के स्थान पर हम य कर देते हैं। ऐसे ही ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ऊ के स्थान पर हम व कर देते थे। ऐसे ही री के बाद भिन्न स्वर आता था तो री के बाद र, और री के बाद भिन्न स्वर आएगा तो ल हो जाएगा। ये नियम था यण संधि में। अब गौर करिए, इन अक्षरों का निर्माण जो है य, व, र और ल का ओरिजिन यानी उत्पत्ति जो है वो स्वरों के माध्यम से हो रही है। दोनों तरफ स्वर पाए जा रहे हैं, इस कारण से हम इनको क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि री जो स्वर के रूप में हम प्रयोग करते हैं वो संस्कृत में करते हैं। री का प्रयोग देख लीजिए, री से बनने वाले जितने भी शब्द हम प्रयोग करते हैं वो तत्सम भाषा के होते हैं, ना कि तद्भव भाषा के, ठीक है, चाहे वो मातृ हो पितृ हो, ठीक है। तो इस कारण से ये जो दोनों स्वर हैं, ये जो दोनों स्वर री और री, इनसे उत्पन्न हुए जो ये र और ल हैं, इनको हम अर्ध स्वर संस्कृत में तो कह सकते हैं, हिंदी में नहीं कह सकते अगर नियम के हिसाब से देखें तो। तो इस हिसाब से य और व, तो संस्कृत के हिसाब से ये चारों अर्ध स्वर कहे जाएंगे, लेकिन हिंदी के हिसाब से य और व को ही हम अर्ध स्वर कहेंगे। आप गौर करिए, इनका उच्चारण स्थान देख लीजिए, इनका उच्चारण स्थान थोड़ा समझने की जरूरत है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी, जहां पर मैंने स्वरों के उच्चारण स्थान आपको बताए थे। स्वरों का उच्चारण स्थान बताते समय मैंने बताया था कि अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई ई का उच्चारण स्थान तालु है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब गौर करिए, ई ई के बाद भिन्न स्वर आने पे य बना, ई का उच्चारण स्थान तालु होता है तो य का उच्चारण स्थान भी तालु होगा, तो य का उच्चारण स्थान हम यहां लिख देंगे तालु, ठीक है। अब गौर करिए, र का उच्चारण स्थान, री का उच्चारण स्थान जो होता है री से र बना है, ठीक है, री के बाद भिन्न स्वर आया तो र बना, री का उच्चारण स्थान मूर्धा होती है, ठीक है, मूर्धा से स्पर्श होती है जीव, इसलिए र का उच्चारण स्थान भी हो जाएगा मूर्धा। ल देख लीजिए, री से ल बना है, री से लिरी के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ल बनता है, ली का उच्चारण स्थान, ठीक है। अब गौर करने वाली बात है, ली का उच्चारण स्थान दंत होता है, ली का उच्चारण स्थान दंत होता है, ठीक है। तो ल का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दांत हो जाएगा। ल बोलकर क्या देखिए, ल जीव का अगला भाग ऊपर वाले जबड़े की जो दांत है पीछे से उसको स्पर्श करता है, आप करके भी देख लीजिएगा, उच्चारण स्थान आ गया दंत। अब व पे आते हैं मित्रों, व का उच्चारण स्थान, यूं तो व की ओरिजिन ऊ और ऊ से हुई, ऊ और ऊ के बाद भिन्न स्वर आया तो व बन गया, ठीक है। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, ठीक है। लेकिन यहां थोड़ा सा बदलाव है जिसको हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जब हम व का उच्चारण स्थान उच्चारण करते हैं तो गौर करिएगा, हम व बोलते समय हमारे होठ वो भी काम करते हैं, प्लस हमारी जीभ
का अग्रभाग देखिए क्या काम करता है। हम बोलते हैं व, 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 तो कहीं ना कहीं जीव का अग्रभाग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दांत को भी टच करता है, हल्का सा, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन तभी तो हम कहेंगे भाई जब पूरी तरह से स्पर्श करेगा तो पूरी तरह से महसूस ही हो जाएगा। जब आप बहुत बारीकी से निरीक्षण करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा दांत भी स्पर्श हो रहा है। तो दांत स्पर्श करने के कारण दंत हो जाएगा और ओष्ठ स्पर्श करने के कारण ओष्ठ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। व का उच्चारण क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। अब गौर करिए, य का उच्चारण स्थान तालु है तो इसके ठीक नीचे उष्ण व्यंजन श आता है, ठीक है, जिसको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान भी तालु हो जाएगा और इसीलिए हम इसको तालव्य श भी कहते हैं। अब श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, र का उच्चारण स्थान मूर्धा है तो श का उच्चारण स्थान भी मूर्धा होता है, ठीक है, मूर्धा से श का उच्चारण स्थान होता है। अगर आपको ये याद न रहे कि श का ये तालव्य श है, ये मूर्धन्य है, ये दंत है, क्योंकि इनके उच्चारण स्थान के आधार पर इनके नाम रखे गए। इनको तालव्य श कहते हैं, इसका उच्चारण तालु से होता है, इसको मूर्धन्य श कहते हैं, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसको दंत श कहते हैं, इसका उच्चारण दंत होता है, और इसको हम इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो ये कॉपी करने की कोशिश मत करिएगा कि इसका भी स्थान दंतोष्ठ हो जाएगा, क्योंकि वह ऊपर वाले का दंतोष्ठ है, हम यहां पे कॉपी कर रहे हैं, ये तीन अक्षरों में खाली कॉपी हो रहा है। गौर करिएगा, य का तालु, श का भी तालु, ये वाले श का र का मूर्धा तो ये वाले श का भी मूर्धा, ये वाले यहां देखिए ल का दंत है तो ये वाले श का भी क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। तो ये तालु मूर्धा दंत ये क्रम से य र ल के हैं उच्चारण स्थान, तो श श स तीनों श के भी यही उच्चारण स्थान है। ह जो है वो अलग है, जैसे व अलग था, ठीक है, व का यहां दांत और ओष्ठ दोनों था प्रैक्टिकली देखने पर। अब देख लीजिए व की ओरिजिन उसे हुई थी तो उसके हिसाब से खाली व ओष्ठ होना चाहिए था, लेकिन दंतोष्ठ भी कहा गया, तो इसको याद रखने के लिए दिमाग में रखिएगा कि वह की उत्पत्ति ऊ से हुई तो उसका ओष्ठ ले लिया गया और उसके पहले वाला अक्षर ल है, ठीक है, तो ल का क्या होता है, दंत है, तो दंत यहां से ले लिया गया तो दंतोष्ठ बन गया, ठीक है, दोनों के बीच में क्या हो गया, लव हो गया, प्रेम हो गया, तो लव होने से लव, 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 एल ओ वी ई, तो उस लव के हिसाब से देखेंगे तो प्रेम हो गया, तो प्रेम हो गया तो आपसी चीजों का स्थानांतरण भी हो सकता है, यहां दंत है तो ये दंतोष्ठ हो गया, ठीक है। आगे आ जाइए, ह, ह जो व्यंजन है इसका उच्चारण स्थान है कंठ, कंठ से, गले से इसका उच्चारण होता है। तो मित्रों मैं समझता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अब इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और क्या करें, शेयर करिए दोस्तों मित्रों सभी संबंधियों से, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा लीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें, नए वीडियो का इंटीमेशन आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।